नमो लोए सव्यसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण मुद्योत कमलित पाप तमो वितारम सम्यक् प्रणम मे जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनाना। मानतुंग आचार्य द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य, जिसमें 48 काव्य हैं, जिनमें से हम 43 काव्यों की चर्चा कर चुके हैं। आज हमें 44वें काव्य की चर्चा प्रारंभ करनी है, 44वें और 45वें काव्य की। बहुत सुंदर चर्चा है। पूर्व के छंदों में देखें तो अभी तक आचार्य मानतुंग दिशा ही परिवर्तित कर चुके हैं, बताने का तरीका ही बदल चुके हैं कि किस तरीके से बता रहे हैं कि उनका जो भी भक्त होता है, अर्थात जिनेंद्र देव का जो भी भक्त होता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। अभी तक बहुत सारे भयों की चर्चा कर चुके, तीन चार भय बता चुके हैं। सबसे पहले हाथी के भय से मुक्त किया, शेर के भय से मुक्त किया, फिर भयंकर अग्नि लग जाए, दावाग्नि लग जाए, फिर उससे भी हमें मुक्त कर दिया, और आगे बात चल के कहें तो भयंकर से भयंकर सर्प से मुक्त कर दिया। उसके बाद किस किस से मुक्त किया, उसके बाद हमें अन्य जितनी भी परिस्थितियां हैं, जो विकराल परिस्थिति, विकराल से विकराल परिस्थिति हो सकती है, उससे भी हमें बाहर निकाल के आए। और ऐसे ही कुछ भय अभी आगे चर्चा करेंगे कि इतने भयंकर से भय से भी हम निकल सकते हैं भगवान का गुणानुवाद करके। लेकिन इसमें कहीं पे भी कर्तावाद का पोषण नहीं है कि हम भगवान का गुणानुवाद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो कर्तावाद है। लेकिन जैन दर्शन अकर्तावाद है, कोई किसी का कुछ कर्ता धर्ता नहीं है कि हम इन छंदों को पाठ करके हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कर्तावाद नहीं है। इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूरी है, मतलब कि थोड़ी कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर होना चाहिए कि भ्रांतियां बहुत चलती हैं, बहुत जल्दी मार्ग से विचलित होने के चांस हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज होती है और कर्तापना अलग होता है, मतलब कि इस मंत्र को पढ़ के ऐसा होगा, ये बात बिल्कुल अलग है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अगर उस समय ऐसा होना था और उस समय आप इस छंद का पाठ कर रहे थे और ऐसा हो गया, तो आरोप आ जाएगा कि हाँ इस छंद को पढ़ने से ऐसा हुआ, लेकिन वास्तव में उस छंद को पढ़ने से ऐसा नहीं हुआ, वास्तव में उस समय ऐसा होना था इसीलिए हुआ, आरोप उस पे आ गया। इसलिए इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान उपादेय संबंध नहीं है। आइए एक बार इस 44वें काव्य को पढ़ते हैं, देखते हैं कि मानतुंगाचार्य यहाँ पे किस भय से मुक्त कराना चाहते हैं, कि कौन सा भयंकर से भयंकर विकराल परिस्थिति से भी हम बच सकते हैं। आप सबको 44वां छंद स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये पाठ करोगे क्या हो? क्या जी? ये पाठ करोगे स्थिति है ना, हाँ जी, ये पाठ करोगे क्या हो? या मतलब इस काव्य को पढ़ने से ऐसा हम बच जाएंगे, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान के गुणानुवाद करने से ऐसी सारी परिस्थितियां टल जाती हैं। टल क्यों जाती हैं, इन दो छंदों के पढ़ने के बाद में बहुत बढ़िया आपको बात बताने वाला हूँ कि क्यों टल जाती हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा बाद में विचार करेंगे। पहले हम दो छंदों का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा विचार करेंगे। आइए 44 छंद का पाठ करते हैं। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उसी एक पंक्ति को आप भी पढ़िए। अम्भो निधौ शुभित भूषण नक्र चक्र भूषण,
अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़ वाग्नौ। रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा। रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा। त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। एक बार संधि विच्छेद देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पहली पंक्ति देखिए आप, अंभव निधव, क्या शब्द है? अंभव निधव। दो अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द है अंभो और एक शब्द है निधि, तो जब ऐसा मिल गया तो अंभो निधव ऐसा शब्द बन गया। फिर शुभित, फिर भीषण, नक्र चक्र, ये दो शब्द हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। नक्र चक्रम याद कीजिए, पहले के शुरुआती 10 छंदों में ये दो शब्दों का प्रयोग आ गया था। नक्र चक्रम, रिपीट, ये दो शब्द हैं पाठीन पीठ बह भय दोलवण, एक शब्द है ये दोलवण। फिर वाड़ वाग्नौ, वाड़ वाग्नौ शब्द है वैसे वाड़ वाग्नी, क्या शब्द है? वाड़ वाग्नी। और जब इसमें मात्राएं लग गई, जब इसका रूप बन गया तो वाड़ वाग्नौ हो गया। तीसरी पंक्ति रंग तरंग, दो शब्द रंग प्लस तरंग, तो रंग तरंग। फिर शिखर स्थित यान पात्राहा, विसर्ग आएगा, जो नीचे का आधा स दिखाई दे रहा है वो ऊपर ले जाइए, तो पात्राहा। फिर चौथी पंक्ति त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति, ऐसा यहाँ पे कोई कठिन संधि नहीं थी, बहुत सरल थी। एक बार हम छंद का पाठ करते हैं, फिर इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। त्रासम, अम्भौ निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ बह दोलवण वाड़ वाग्नौ। रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। आइए इसका अर्थ देखते हैं कि मान्तुंगाचार्य यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थ को समझने से पहले थोड़ी कल्पना कर लीजिए, मान्तुंगाचार्य आपको यहाँ पे भयंकर से भयंकर समुद्र में लेके जाना चाह रहे हैं। एक ऐसा समुद्र जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और जब वो लहरें आपस में टकराती हैं तो जो समुद्र की जो अग्नि होती है वो भी अग्नि जल जाती है, और भीषण उसके अंदर बहुत भयंकर भयंकर जानवर हैं, बहुत भयंकर भयंकर उसमें नक्र चक्रम अर्थात बहुत भयंकर भयंकर घड़ियाल उसमें बैठे हुए हैं, उनके समूह हैं, आपस में टकरा रहे हैं, बहुत भयंकर स्थिति है। और हमारा जहाज कहाँ पे है? हमारा जहाज बिल्कुल चोटी पे है, मतलब जो वो उठ रही है तरंगे, उठ रही है उन तरंगों की बिल्कुल चोटी पे हमारा जहाज है, और उसके बावजूद भी हमारी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं शब्द वाइज कि यहाँ पे कैसा अर्थ बताना चाह रहे हैं मान्तुंगाचार्य। सबसे पहला शब्द देखिए, भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ। पहले समुद्र का चित्रण बता रहे हैं कि समुद्र कैसा है, तो कह रहे हैं भीषण, बहुत भीषण है, अर्थात समुद्र की स्थिति कैसी है? बहुत भीषण है। और क्या है? नक्र चक्र अर्थात, नक्र अर्थात घड़ियाल, चक्र अर्थात उसका समूह। जैसे हम देखते हैं सिद्ध चक्र, जैसे सिद्ध चक्र विधान होता है तो सिद्धों का समूह, ऐसे ही नक्र चक्र अर्थात घड़ियाल का समूह उस भीषण समुद्र में बैठा हुआ है। तो भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ, पाठीन पीठ अर्थात वो इतने सारे घड़ियाल उस समुद्र में है कि उनकी पीठ आपस में टकरा रही है, मतलब कि पीठ आपस में टकरा रही है। इसको बताने से मान्तुंगाचार्य का बताने का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आपस में उनकी पीठ भी टकरानी
चालू हो गई है, इतना भयंकर वो समुद्र है। और क्या बता रहे हैं, शुभित शुभित अंभव निधौ, शुभित अर्थात जो आंदोलित हो रही है, क्या आंदोलित हो रही है, अंभव निधौ अर्थात जो समुद्र है वो बिल्कुल आंदोलित हो रहा है। किससे, कि वो वैसे ही भीषण हो रहा है, उसमें वैसे ही बहुत सारी लहरें उठ रही हैं और नखर चक्र है, तो वो जो समुद्र है अंभव निधौ है, अंभव निधौ अर्थात जो समुद्र है वो बिल्कुल शुभित हो रहा है, बिल्कुल आंदोलित हो रहा है, जैसे लड़ाई करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गया हो। और कैसा हो रहा है, कह रहे हैं भय दोलवण वाड़ वागनऊ, कि उस समुद्र में और क्या हो रहा है, वे उस समुद्र में भयंकर से भयंकर क्या हो रही है, वाड़ वागनऊ, वाड़ वागनऊ अर्थात जैसे मैंने उस दिन पहले पहले दिन बताया था कि अग्नि अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि जो जंगल में लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं, ऐसे ही जो समुद्र में अग्नि लगती है उसको वाड़ वाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, वाड़ वाग्नि, याद कर लीजिए दो शब्द। अग्नि बस एक प्रकार की नहीं होती जो हम देखते हैं, अनेक अग्नि बहुत प्रकार की हो सकती है। एक अग्नि जो हम देखते हैं, दूसरी अग्नि जो जंगलों में लगती है उसका नाम है दावाग्नि, जो समुद्र में अग्नि लगती है वो होती है वाड़ वाग्नि, और एक जो अपने पेट में अग्नि जलती है उसको कहते हैं जटराग्नि। तो ऐसी कितनी अलग अलग प्रकार की अग्नि होती है। तो समुद्र में कैसी अग्नि लगी है, समुद्र में बिल्कुल भयंकर विलक्षण बड़ बावन सुलगने वाली एक ऐसी अग्नि यहाँ पे लग चुकी है जो बहुत भयंकर है। और कैसी है, अब आगे उसके बारे में बता रहे हैं तीसरी पंक्ति में, रंग तरंग शिखर स्थित, रंग तरंग शिखर स्थित, शिखर मतलब क्या होता है, मतलब बिल्कुल उसका टॉप, मतलब कि जब लहरें उठ रही हैं तो उसके शिखर स्थित, बिल्कुल उसके शिखर पे, मतलब बिल्कुल उसकी चोटी पे क्या हो रहा है, तीव्रता से उछलती लहराती हुई लहरों की ऊपर, अर्थात रंग तरंग, तरंग जो ऊपर ऊपर उठ रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, उसके शिखर पर क्या है, यान पात्रहा, क्या, यान पात्रहा, यान अर्थात उनका जो जहाज है उसको यान, और पात्रहा अर्थात उसके अंदर जो यात्री बैठे हुए हैं, अर्थात एक शिखर की कल्पना कीजिए जो बहुत ऊंची तरंगों पे है और उसके अंदर एक समुद्र है, उस शिखर पे एक जहाज है और उसके अंदर सारे यात्री बैठे हुए हैं, और क्या हो रहा है उनके साथ, वो कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि भवतः स्मरणात तासम विहाय व्रजंती, अर्थात हे भगवान, भवतः अर्थात हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से, आपके स्मरण करने के लिए या आपके स्मरण से क्या होता है, त्रासम विहाय अर्थात सारी त्रासदा जितनी भी परेशानियां होती हैं सब भाग जाती हैं, सब दूर हो जाती हैं, और व्रजंती, और हम समुद्र को पार कर लेते हैं। मतलब कि भगवान के गुणानुवाद में इतनी शक्ति है कि हम मात्र कैसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हम भगवान के गुणानुवाद करेंगे तो हम उससे बच जाएंगे। चलो कल्पना कीजिए अगर आप नहीं भी बच पाए उसके बावजूद भी आपकी अच्छी गति जरूर होगी, क्यों, क्योंकि उस समय आप भगवान के गुणानुवाद कर रहे थे, आपके परिणाम आकुलित नहीं थे, आपके परिणाम कषायों में नहीं बीत रहे थे, आप बिल्कुल नीकषायी भाव से भगवान का गुणानुवाद कर रहे थे, अर्थात मन में कोई आकुलता नहीं थी। और जब मन में कोई आकुलता नहीं होती है, जब शांत परिणाम होते हैं और उस समय अगर आयु बनती है तो अच्छी ही आयु बनती है, अर्थात उस परिस्थिति में मर भी जाए तो भी हमें अच्छी ही गति मिलने वाली है, क्यों, क्योंकि हम किसका स्मरण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने भगवान का स्मरण, अपने भगवान के गुणों का स्मरण। देखिए छंद को पढ़ के बार बार ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे तो कर्तावाद का पोषण चल रहा है, कि आपके पास ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप इस छंद का पाठ कीजिए, आपके पास ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इस छंद का पाठ कीजिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात मानतुंग आचार्य नहीं कहना चाह रहे हैं। हमने छंद का अर्थ देखा, आपने भी देखा, कहीं पे भी मानतुंग आचार्य ने कहा कि इस छंद को पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, वे मात्र ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हर समय भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। देखिए अनुकूल परिस्थितियों में तो सब भगवान का गुणानुवाद करते ही हैं। अभी हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, सब कुछ बढ़िया है, पैसा है, घर है, तो हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन कल्पना करके देखिए जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, जिस समय कुछ नहीं होगा, क्या उस समय में भी हम इसी शांत परिणामों से भगवान का गुणानुवाद कर रहे होंगे। वास्तव में हमें धर्म हमेशा कंफर्ट जोन में करने की आदत है, हम धर्म करते हैं तो बिल्कुल कंफर्ट जोन, सब सब कुछ ठीक होगा तो धर्म करेंगे,
अभी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए हमारे घर के सामने, बहुत जिससे बचना मुश्किल हो जाए, उस समय आपको कहा जाए कि भैया भगवान का गुणों का स्मरण कर लो जरा तो कुछ बच जाओगे, तो हमें एकदम आकुलित हो जाएंगे। अभी भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, अभी इतना सारा काम है, इतनी मेरे सिर पे इतनी परेशानी आई हुई है, अभी ये या करूंगा, ये तो बात की बात है, जब कुछ टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, ऐसी बात करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान का गुणानुवाद किन परिस्थितियों में, अनुकूलताएं में तो सब कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव तो प्रतिकूलताओं में भी करते हैं, तभी वे महान बनते हैं। इतिहास उनका ही बनता है जो प्रतिकूलताओं में भी भगवान का गुणानुवाद नहीं छोड़ते हैं, इतिहास उनको ही याद रखता है। इतिहास सबका होता है, लेकिन इतिहास सबका याद किया नहीं जाता है, इतिहास उनका ही याद किया जाता है जो प्रतिकूलताओं में भी जी उठते हैं, जो प्रतिकूलताओं में भी जीत जाते हैं। वो ऐसे ज्ञानी जीव हैं जो कैसी भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति आ जाए उसके बावजूद भी हारते नहीं है। हम देखें आज की परिस्थितियों में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति, अभी चलो हम जहाज में नहीं बैठते हैं, आज आज की डेट में हमें पहले ही पता लग जाता है कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, कहाँ पे क्या आने वाला है। लेकिन कल्पना करके देखिए, आप किसी प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में बहुत लोग बैठे होंगे, अब प्लेन में बैठे हैं और आपको पता लग गया कि आपका प्लेन क्रैश होने वाला है, आप जाने वाले हो, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आपको बराबर वाला कहे भैया भगवान का गुणानुवाद कर लो, तो उस समय उसको चुप करा के बैठा देंगे, चुप रहे अभी इस समय भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, अभी मुझे इतनी टेंशन हो रही है, अभी कैसे सारे काम कर लूंगा मैं। लेकिन उस समय भी हम कहेंगे कि भगवान का गुणानुवाद करो तो शांति मिलती है। वास्तव में प्रति अनुकूलताओं में तो सब याद कर लेते, कौन सी बड़ी बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बात तो तब है जब प्रतिकूल अवस्था में भी हम याद करें। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान का केस आया था कि कराची में प्लेन क्रैश हो गया, 98 पैसेंजर्स थे, बस 2 पैसेंजर उसमें बचे। अब उनका पुण्य का उदय था, मैं पूछना चाहता हूँ कि वे भी उसमें बचे, 98 लोग बैठे हुए थे, 96 लोग मर गए, 2 लोग बचे। अब आप बताइए, क्या उन्होंने इस 44वें काव्य को पढ़ा होगा? उन्होंने उस 44वें काव्य को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पुण्य का उदय था तो बच गए। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि कोई भी विकराल से विकराल परिस्थिति आ जाए और आप इस मंत्र का जाप करना चालू कर जाओ और आप बच जाओगे, इसमें पुण्य का उदय भी काम करता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी काम करते हैं। उस समय आप पाठ कर रहे होगे तो बच जाओगे, नहीं बचना होगा तो नहीं बचोगे। पुण्य का उदय होगा तो बच जाओगे, पाप का उदय होगा तो कोई बचाने में संभव नहीं है, चाहे इसका कितनी बार पाठ कर ले, अखंड पाठ कर ले, उसके बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ये सारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि कुछ भी हो हम बच जाएंगे, बढ़िया बात है हम बच जाएं तो। हम भगवान का गुणानुवाद हर समय करते रहना चाहिए, और वास्तव में देखा जाए तो आरोप भी उनपे ही आना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आरोप देने लायक वे ही हैं, लेकिन आरोप दिया गया है लेकिन वे कार्य नहीं करते हैं। क्या भगवान कार्य नहीं करते हैं? उनपे आरोप जरूर आ सकता है कि आप ही थे जिन्होंने, हम बोल चाल की भाषा में ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि हे भगवान आप ही थे जिन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं तो डूबने ही वाला था। लेकिन वास्तव में भगवान ने कुछ नहीं बचाया, भगवान ने ना आपको आपके सामने मार्ग दिखाया, ना कुछ किया, आपका पुण्य का उदय था, आप उस समय भगवान का गुणानुवाद कर रहे थे, आपका बचना निश्चित था तो आप बच गए, और इस 44वें नंबर काव्य पे आरोप आ गया। इसको कह के मैं ये इसकी महिमा कम करना नहीं चाह रहा हूं कि इस पे आरोप आ गया तो ये मंत्र कुछ करता नहीं है। वास्तव में मंत्रों में अपने में बहुत शक्ति होती है। जिस समय हम मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं उस समय हम कषायों से बचे होते हैं, जिस समय हम मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं उस समय हम विषय कषायों में नहीं लगे होते हैं, तो उस समय आपके शुभ परिणाम होते हैं, तो सहज भाव से आपका बचना निश्चित ही है। थोड़ी सी कर्मों की फिलॉसफी जान लेंगे तो सारी बात हमारी क्लियर हो जाएगी। हम क्या है, आजकल हम मैजिकल पावर्स में बहुत जीने लग गए हैं, बहुत विश्वास करने लग गए हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। थोड़े दिन पहले मैं एक चीज सुन रहा था कि एक भक्तांबर काव्य का ऐसा पाठ करो कि उसको चिल्ला चिल्ला के पाठ करो। अपने सामने एक पानी रखो, मतलब पानी का कुछ बर्तन रखो, उसमें पानी भरो और जोर जोर की उसमें चिल्लाओ, जब तक पानी में वाइब्रेशन होनी चालू ना हो जाए, और जैसे चिल्ला रहे हो जब पानी में वाइब्रेशन होनी चालू हो जाए तब रुक जाना। अब वो पानी इतना एनर्जेटिक हो गया है, उसको कहीं पे भी अपने शरीर पे लगाओ आपके सारे रोग मिट जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन वास्तव में ये तो अपने गला खराब करने वाली बात है, हम कब तक चिल्लाएंगे और कब वो पानी वाइब्रेट होगा और उसमें कौन सी एनर्जी ऐसी आ जाएगी जिससे हम बच जाएंगे। मैं कहता हूं बच जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पानी से नहा लो, कुछ कर लो, बच जाओ तो ठीक है, लेकिन ऐसा मिथ्या
कल्पना लेके मत चलना कि इसके करने से ऐसा हो गया है। ऐसे ही हम अपनी लोक मान्यता में भी लगा सकते हैं, हमें अंधविश्वास हो जाता है कि डॉक्टर हमें दवाई देता है तो हम सही हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रहा आप लोग कहें कि हम भक्तांबर काव्य तो विश्वास करें नहीं, लेकिन हम डॉक्टरों पे तो इतना अंधश्रद्धा रखते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दे दी तो हम सही हो जाएंगे। भैया उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध काम करता है, दवाई अगर असर करनी होगी तो असर करेगी, नहीं करनी होगी तो नहीं करेगी, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपके जैसा पुण्य का उदय होगा जैसा होगा तो असर करनी होगी, नहीं तो नहीं करेगी। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर भी, मतलब कि ये तो अपने वस्तु स्वरूप समझने वाली बात है कि कैसी कब क्या हो जाता है। हो सकता है एक छोटा सा डॉक्टर जिसको आपकी दवाई लग जाती है और एक बड़ा डॉक्टर जिसकी दवाई नहीं लगती है, एक जिसको कोई अपनी गली में कुछ समझता नहीं है जो बहुत छोटा सा है उसकी दवाई हमें लग जाती है, और बड़े से बड़ा जिसके अंदर हम 1000 रुपए खर्च करते हैं उसके बाद भी उसकी दवाई नहीं लगती। अब आप बताओ इसमें क्या खेल है। कोई कहेगा भैया बड़ा डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो इलाज करके देगा, लेकिन उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कार्य होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। कई बार होता है कि हम इतना हमारी तबीयत खराब होती है उसके बावजूद भी हम सही हो जाते हैं बिना दवाई लिए भी, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और कभी कभार दवाई लेके भी हमारी तबीयत और बिगड़ जाती है। लेकिन हमारी अंधश्रद्धा कैसी है, वास्तव में हमने धर्म के मामले में तो समझौता नहीं कर रखा, हम धर्म के मामले में तो ये समझते हैं कि हाँ इस काव्य को पढ़ने से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसी मिथ्या भ्रांति जगत में रख रखी है कि दवाई को लेने से मैं सही हो जाऊंगा। लेकिन हमें सारी मान्यताओं का खंडन करना है, जैसी मान्यता इसके साथ जोड़ रखी है वैसी मान्यता हमने डॉक्टर के साथ भी जोड़ रखी है। बहुत प्रासंगिक उदाहरण है, इसलिए सारी हमें मान्यता जब टूटेंगी तो ही हमें सम्यक्त होने वाला है, अन्यथा हमें सम्यक्त होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया छंद है जिसके अंदर ऐसी बात बताई गई। एक बार हम छंद का पाठ करते हैं और अगला छंद जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो सच्ची में बहुत प्रासंगिक है, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। आइए 44वां छंद पढ़ते हैं। अम्भौ निधौ श्रुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ बह दोलवण वाड़ वाग्नम रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। आइए 45वां काव्य पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम 48वें काव्य तक बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको ये छंद दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, 45वां छंद। आइए इसका एक बार पाठ करते हैं। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, उसी एक पंक्ति को आप भी पढ़िए। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, देखिए उद्भूत में द आधा है तो आधा ही पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो पूरा कर देंगे तो उसके जो शब्द हैं वो बिगड़ जाएंगे। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, शौच्याम दशामुपगताश्चित जीविताशः। शौच्याम दशामुपगताश्चित जीविताशः। तत्पाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा, मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्ये रूपः। बहुत बढ़िया छंद। आइए इसका एक बार संधि विच्छेद देख लेते हैं तो हमें पूरा छंद का भाव भी क्लियर हो जाएगा। शब्द है उद्भूत, ये भी दो शब्द कर सकते हैं, उद प्लस भूत, एक शब्द गिने इसको उद्भूत। फिर भीषण जलोधर, क्या शब्द है जलोधर, दो शब्द हैं, जल प्लस उदर जलोधर, भार भुगनाहा, फिर शौच्याम एक शब्द है, फिर दशाम क्या शब्द है, दशाम उपगताहा शब्द क्या है, उपगताहा, फिर च्युत जीविताशाहा, दो शब्द हैं जीवित प्लस आशाहा तो शब्द बन गया जीविताशाहा, फिर त्वत
पाद दो शब्द हैं, पंकज रज प्लस अमृत रजोमृत, रज प्लस अमृत रजोमृत, दिग्ध देहा, फिर क्या है मृत्या, क्या शब्द है मृत्या, भवंती, मकर ध्वज तुल्य रूपा। आइए छंद का पाठ कर लेते हैं हम। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना, शौच्या दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मृत्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। बहुत बढ़िया छंद। एक तरीके से इस छंद को कहें मेडिसिन के जैसे काम करता है, बिल्कुल औषधि की तरह काम करता है। हमारी भयंकर से भयंकर कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आज की डेट में कोई भी बड़ी बीमारी हो, आजकल कैंसर कहना तो छोटी बात हो गई, आजकल कोरोना जो इतनी महामारी चल रही है, बड़ी से बड़ी महामारी को भी खत्म करने में कोई चीज सक्षम है तो भगवान के गुणानुवाद सक्षम है। ऐसी बात यहाँ पे की जाएगी, घबराइए मत। बहुत सुंदर चर्चा है, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या वास्तव में क्या होता है क्या नहीं होता है। एक एक छंद के बारे में, एक एक अक्षर के माध्यम से जानते जाते हैं कि मानतुंग आचार्य यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। सीधा प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए। पहली पंक्ति ही देखिए, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, क्या कह रहे हैं उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुए हुए, भूत अर्थात होना, उद अर्थात उत्पन्न होना, तो उत्पन्न हुए हुए क्या भीषण अर्थात बहुत बुरी बहुत भयानक क्या जलोधर भार भुगना। जलोधर एक बीमारी होती है कि जब पेट में पानी भर जाता है तो वो एक भयंकर बीमारी होती है जिसका इलाज लाइलाज ऐसी बीमारी होती है, उस समय होती होगी, इस समय का मुझे इतना पता नहीं कि इसका इलाज है या नहीं है, इलाज है चलिए जो हो आप समझ लीजिए, भयंकर से भयंकर बीमारी है, उस समय ऐसी बीमारी होती होगी जिसका इलाज नहीं होता होगा। तो मानतुंग आचार्य ने इस बीमारी के बारे में लिखा जल उधर, जब पानी में पेट भर जाता है तो ऐसी भीषण ऐसी भयानक रोग है भार भुगना, कि उससे क्या हो गया है कि उस रोग के भार से टेढ़ी हो गई है कमर जिसकी, क्या उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, कि ऐसे भीषण रोग से क्या हो गया है झुक गई है टेढ़ी हो गई है जिसकी कमर जिसकी, ऐसा क्या आगे बताएंगे। फिर कह रहे हैं आगे देखिए, शौच्याम दशाम उपगताहा, शौच्याम दशाम उपगताहा अर्थात ऐसी बीमारी जो बिल्कुल शोचनीय है, क्या है शोचनीय है अर्थात उसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। ये कभी कभार शरीर में ऐसी परिस्थिति घट जाती है, शरीर में ऐसी बीमारी आ जाती है, कभी कभार उसको देखने का मन नहीं करता, कभी कभार कोई हॉस्पिटल में कोई बहुत भयानक चीज हम देख ले, किसी का कोई अंग बाहर निकला हुआ हो तो आंखें बंद करने का मन कर जाता है, ऐसा लगता है हमने क्या देख लिया। तो एक तरीके से शोचनीय दशा है कि कैसा कैसा हो जाता है। वास्तव में बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसी बीमारी जो भीषण है, अभी आज के समय में बात करें वो कैसी बीमारी है हम समझें, ज्यादा बड़ी बीमारी के पास नहीं जाते। एक बीमारी जो है बुढ़ापा, क्या है एक बीमारी जो है बुढ़ापा, बुढ़ापा भी वास्तव में एक बीमारी है जो हमें हमें हर समय संकेत देती है भैया तुम्हारी भी कभी ना कभी ऐसी स्थिति आने वाली है। वास्तव में इन परिस्थितियों को देख के अपने को देख लेना चाहिए, जिस शरीर पे हम अभी गर्व कर रहे हैं, जो शरीर अभी बहुत हमारा काम कर रहा है, कुछ समय बाद वो काम करने वाला नहीं है, उसकी भी ऐसी स्थिति होने वाली है, इसलिए अभी से तैयार हो जाइए। ये संकेत है हमारे लिए, ये हमारे शुभ चिंतक हैं। जैसे कि जब भी हम कभी शमशान घाट में जाएं तो ऐसा सोचे कि भैया हमें भी कभी ना कभी यहाँ पे आना है, हमारी भी ऐसी स्थिति होने वाली है तो हम भयभीत कम रहेंगे कभी, लेकिन कोई ऐसा नहीं विचारता, लेके तो जाते हैं बातें भी वैसी करते हैं, लेकिन जब वापसी आते हैं तो कभी ऐसा नहीं विचारते कभी मेरे साथ भी ऐसे होने वाला है, तब तो ऐसा समझते हैं हम तो अजर अमर हैं, हम तो कभी मरने ही नहीं वाले हैं, लेकिन उस समय ऐसा विचारें कि हमारे साथ भी ऐसा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी साइकिल है, मतलब कि मैं बड़ी से बड़ी बीमारी की बात ना करके बुढ़ापा भी एक बीमारी है, वो भी एक शोचनीय दशा है, वो भी हमको संकेत देती है, अपनी दशा के बारे में बताती है कि आपके साथ भी भविष्य में ऐसा ही होने
वाला है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, शोच्याम दशाम उपगताम, अर्थात वो दशा शोचनीय है, वो दशा दयनीय है, जिसको जो दशा हमें प्राप्त हो चुकी है, उपगता अर्थात वो दशा हमें प्राप्त हो चुकी है। और क्या हो चुका है उसके द्वारा, जीवित आशाचित। क्या कहा, जीवित आशाचित, मतलब कि अब जीने की आशा भी नहीं रही है, मतलब ऐसी भयंकर बीमारी हमें लग चुकी है जिसमें जीवन जीने की आशा भी हमें नहीं बची है। समझ लीजिए, आपने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कह दिया भैया अब हमने हाथ खड़े कर दिए, अब हम इनको बचाने में सक्षम नहीं है, अब इन पर कोई दवाई असर करने लायक नहीं है, तो उस समय ऐसी भावना, उस समय ऐसी भाव होते हैं कि अब जीने की कोई आशा नहीं है, अब हमें कोई बचाने में सक्षम नहीं है। वैसे तो तत्व दृष्टि से बात करें, पहले भी तुम्हें कोई बचाने में सक्षम नहीं था, बाद में भी तुम्हें कोई बचाने में सक्षम नहीं है। जब तक है आयु कर्म, जब तक है तब तक है, हमें लग रहा था कि दवाइयों के माध्यम से जी रहे हैं, हमें लग रहा था वो वेंटिलेटर पे हैं तो हमें वो जीवित रखा हुआ है, वास्तव में वेंटिलेटर ने हमें जीवित नहीं रखा, उस आयु कर्म ने हमें जीवित रख रखा है। जब तक आयु कर्म हमारे साथ है तब तक हम जीवित हैं, किसी अन्य के साधन से हम जीवित नहीं है। पॉइंट देखिए, किसी अन्य के साधन से हम जीवित नहीं है, अपनी चेतना के कारण हम जीवित हैं, अन्य किसी आरोप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसी परिस्थिति बता रहे हैं, जिसमें जीने की आशा बिल्कुल भी नहीं बची है, ऐसी बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, त्वद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देह। अब तो गजब बात कर दी, कह रहे हैं कोई सा भी भयंकर से भयंकर रोग आ जाए, चाहे कैंसर से महा कैंसर आ जाए, जो भी आप बड़े से बड़ा रोग समझते हो वो ले लीजिए, बड़े से बड़ा रोग आ जाए, जीने की आशा ना हो, तो हम क्या करें, त्वद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। क्या कि आपके पाद रूपी कमल की जो रज होती है, जो अमृत का काम करती है, उसको अपने शरीर पे लगा लीजिए, आपका रोग मिट जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, त्वद पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देह, अर्थात उनके चरण रूपी कमलों की जो रज है, अर्थात जो धूल है, वो जो अमृत के समान है, वो दिग्ध देहा मृता भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। मतलब कि जैसे कि उस रज को लगाने से, उस रज को अपने शरीर पे लगाने से, उस मृत्या मृत्या अर्थात उस मनुष्य का शरीर कैसे हो जाता है, मकर ध्वज तुल्य रूप अर्थात कामदेव जैसा, जैसे कामदेव का शरीर बिल्कुल सुंदर होता है, उसके समान तुल्य रूपा, उसके समान उसका शरीर हो जाएगा। अर्थात कैसी भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति में भी हम उस भयंकर से भयंकर रोग से बच जाएंगे, अगर हम क्या हो जाएगा, भगवान के रजोमृत दिग्ध देह अर्थात भगवान के कमल रूपी चरणों की धूल अपने ऊपर लग जाएगी। तो मतलब कि जितने भी स्तुति साहित्य होते हैं उनमें भगवान की स्तुति अतिशयोक्ति के माध्यम से की जाती है। क्या, क्योंकि हमें अगर हम स्तुति साहित्य पढ़ते हैं तो स्तुति साहित्य के हमें नियम भी पता होने चाहिए, बहुत सारे अलंकार होते हैं, उसमें एक अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है। यहाँ पे अतिशयोक्ति की जा रही है कि हे भगवान, यहाँ पे सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं जो भी आपकी शरण में आ चुके हैं उनको कोई रोग स्पर्श करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में उनको रोग स्पर्श करने में सक्षम क्यों नहीं है, थोड़ा विचारिए, जिस समय कोई भी भक्त अगर आपके भगवान के गुणानुवाद कर रहा होगा उस समय उसकी दृष्टि अपने शरीर पे नहीं जाएगी। तत्व को पहचानिए, मतलब की गहराई को देखिए, यहाँ पे बात तो कह रहे हैं कि आपके पाद रूपी जो कमल है उसकी धूल भी हमारे लिए अमृत की काम करती है, तो क्या बात करना चाह रहे हैं, जब हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं, जब हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं उस समय हमारा ध्यान शरीर की ओर नहीं जाता, अब शरीर में कैसी से कैसी बड़ी से बड़ी बीमारी हो हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता, हम भगवान के गुणानुवाद में डूबे रहते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी आती है चली जाती है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं लग पाता। वास्तव में ये इसका इलाज है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम भगवान की धूल उठा लाएं, कि भगवान के चरणों में जो धूल पड़ी हो उसको लेके आए और जो भी रोग हो उसको अपने शरीर, उस रज को अर्थात तो उस धूल को अपने शरीर पे लगाना चालू कर दें। एक तरीके से मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात वास्तव में यही है। ये कोई 45 नंबर का काव्य कोई मलम नहीं है कि जहां हमें दर्द हुआ हमने उसको लगा लिया, मतलब कि दर्द जैसे आयोडेक्स है, हमने सर में दर्द है तो वहां पे लगा लिया हमारा दर्द गायब, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये क्या है,
इसके अंदर वास्तव में भगवान का गुणानुवाद छुपा हुआ है। हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं तो हमें कोई रोग स्पर्श करने में सक्षम नहीं है, बड़े से बड़ा रोग हमें स्पर्श करने में सक्षम नहीं है, वास्तव में हमें स्पर्श करने में सक्षम नहीं है। देखिए थोड़ी बात को देखिए, बड़े से बड़ा रोग हमें स्पर्श करने में सक्षम नहीं है, तो हमें मतलब क्या, हमें मतलब शरीर या आत्मा? बड़े से बड़ा रोग हमें स्पर्श करने में सक्षम नहीं है मतलब हमारी आत्मा को स्पर्श करने में सक्षम नहीं है। शरीर में तो, शरीर तो रोगों का घर है, एक एक रोम में कितने कितने रोग होते हैं हमें उसके बारे में कल्पना नहीं है। वास्तव में हजारों हजारों रोग हमारे एक एक रोम में भरे रहते हैं। वास्तव में वो तीन चार रोग हैं जो हमें, जिन रोगों की अभिव्यक्ति हो जाती है और हमें पता लग जाता है और हमें टेंशन होने लग जाती है। वास्तव में ये शरीर रोगों का घर है, इसमें रोग जा नहीं सकते। इससे रोगों का जब घर है तो इसमें रोग पनपते रहते हैं हर समय, और हम चाहते हैं कि हम इसको, रोगों को मिटा दें। वास्तव में इसका स्वभाव ही है कि इसके अंदर रोग रहेंगे ही रहेंगे, और हम चाहते हैं कि इसको मिटा दें। हम किसी के स्वभाव को बदलने में सक्षम नहीं है, और वास्तव में जो भी हमें, जो बड़े से बड़ा हमारी बीमारी लगी है, वो बीमारी कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, वो बीमारी हमें मिथ्यात्व की बीमारी है जो हमें अनादि काल से लगी है। और जब हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं और उन गुणों को अपने में पहचानते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को जानते हैं, तो वो मिथ्यात्व जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी भी भागती नजर आती है, वो टिकती नहीं है। जैसे कि बहुत, जैसे यहाँ पे बात किया कि भगवान के पाद में, पाद रूपी पंकज में जो रजोमृत है, अर्थात रज रूपी अमृत है, उसको लगाने से सारे रोग भाग जाते हैं। ऐसी भ्रांतियां बहुत चलती हैं, और वास्तव में ऐसी भ्रांति किसी ने चलाई नहीं है। ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान, कहे कि लोगों का ध्यान इसी ओर जाता है, मैजिक्स के ऊपर ध्यान जाता है, तो उनका ध्यान उसी ओर चला गया। जैसे हम बात करें कि कौन सी रानी थी जिन्होंने गंधोदक लगा के अपने पति के शरीर से सारा रोग मिटा दिया था, कौन थी? मैना थी या सुंदरी थी? ये दो हैं, मैना और सुंदरी, दोनों एक नहीं है, मैना। किसके शरीर से रोग मिटाया था? श्रीपाल। राजा श्रीपाल के शरीर पे भयंकर से भयंकर रोग हो गया था, कोढ़ हो गया था। और आपको पता है ये रोग, ये कोढ़ नाम का रोग कैसे होता है? ये कोढ़ नाम का रोग होता सालों पहले है, और इसकी अभिव्यक्ति बहुत बाद में होती है। हमने आदरणीय दादा से ही सुना है कि 700 साल पहले होने को, ये 700 साल पहले भी हो जाता है और उसकी अभिव्यक्ति हमें 700 साल बाद दिखाई देती है, जिसकी आयु उतनी हो, मतलब आयु के हिसाब से बात कर रहे हैं, उस समय उनकी आयु बहुत हुआ करती थी, मतलब कि रोग इतनी पहले हो गया और उसकी अभिव्यक्ति हमें अभी नजर आती है। श्रीपाल राजा को इतने भयंकर से भयंकर रोग हो गया तो जो मिटने में समर्थ नहीं था, तो क्या हुआ, राजा रानी मैना ने बहुत बढ़िया सिद्ध चक्र विधान रचाया, सिद्ध चक्र विधान किया, और फिर जब भगवान का अभिषेक हुआ तो उसमें से गंधोदक जो आया, उस गंधोदक को शरीर पे लगाया तो वास्तव में रोग मिट गया। तो लोगों को ऐसी भ्रांति होने लग गई कि उस गंधोदक को लगाने से रोग मिट जाते हैं, और आज ऐसी भ्रांति देखी जाती है। आप किसी भी मंदिर में पहुंच जाइए, कोई ना कोई लोग आपको एक छोटी डिब्बी के साथ मिल जाएंगे, जो उस डिब्बी में गंधोदक अपने घर पे लेके जाते हैं, जहां पे कोई रोग हो उस गंधोदक में उंगली डालते हैं और उस अपने रोग पे लगा लेते हैं, और लगता है कि वो रोग आपका मिट जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। रानी मैना ने श्रीपाल का रोग मिटाया था तो गंधोदक के कारण नहीं मिटा था, उस रोग का मिटने का काल आ गया था तो गंधोदक पे आरोप आ गया था। देखिए आप शाम की क्लास में अभाव समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? अभाव समझ रहे हैं कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होता है, मतलब कि जब दोनों द्रव्य अलग अलग हैं तो ना ये इसका कुछ करता है ना ये इसका कुछ करता है, दोनों जुदा जुदा है, मतलब कि दोनों भिन्न भिन्न है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। अब आप बताइए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, वो गंधोदक एक भिन्न चीज है, वो शरीर एक भिन्न चीज है, अब बताइए क्या गंधोदक इसका कुछ कर सकता है? करने की तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श मात्र तक नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में अभाव है, गंधोदक में शरीर का अभाव है, शरीर में गंधोदक का अभाव है, तो वास्तव में दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं किया, तो रोग दूर होने की बात तो बहुत दूर की है। वो जो रोग दूर हुआ है, वो उस रोग को दूर होने का काल आ गया था तो रोग दूर हो गया था, उस गंधोदक के माध्यम से रोग दूर
नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि मंदिर में गंधोदक की अभिनय कितनी की जाती है। वास्तव में गंधोदक लगाने का स्थान मात्र ये मस्तक होता है और कोई जगह नहीं होती है। वास्तव में शरीर वास्तव में तो एक मल का ही घर है, लेकिन पूरे शरीर में सबसे बढ़िया कोई स्वच्छ जगह है तो वो अपना मस्तिष्क है और कोई जगह नहीं है। तभी कहा जाता है वो गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए, मात्र अपने मस्तिष्क पे लगाना चाहिए और कहीं लगाना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा गंधोदक हाथ में ले लेंगे और फिर जो बचेगा थोड़ा यहाँ पे लगा लिया, जो बचा अपने बालों में लगा लिया, थोड़ा कानों पे लगा लिया, थोड़ी अपनी आंखों पे लगा लिया, जिनकी आंखें कमजोर होती हैं थोड़ा आंखों पे, एक तरीके से वो उनका बस चले तो वो स्नान कर ले गंधोदक में, अपने पेट में नाभि पे लगा लिया, पेट पे मल लिया, ये क्या है? वास्तव में गंधोदक का अभिनय है। हम क्या समझते हैं अपनी आंखों पे लगा लेंगे तो हमारे आंख की जो नेत्र इंद्रिय कमजोर होगा ये वो सही हो जाएगी। ये हमारी मिथ्या मिथ्या भ्रांति है। वास्तव में हमें जब तक इस मिथ्यात्व पे हमारी चोट नहीं पड़ेगी तब तक वो मिथ्यात्व टूटने नहीं वाला है। उसकी जड़ें इतनी मजबूत है, जड़ें इतनी मजबूत वास्तव में क्यों हो गई है? अनादि काल से है ना हमारे साथ। जो वस्तु अनादि काल से हमारे साथ पूरा हमारा साथ देते आ रही है, उसका साथ हमें छोड़ना है तो समय तो लगेगा। धीरे धीरे वो पत्थर, जिस अगर पत्थर को तोड़ना है तो धीरे धीरे उसपे ऊपर पानी की एक एक बूंद गिरती है तो उसमें भी गड्ढा पड़ जाता है। ऐसे ही जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व रूपी पत्थर को तोड़ना है तो धीरे धीरे उसपे धीरे धीरे चोट पड़ती जाएगी तो उस वो मिथ्यात्व रूपी बेड़ियां भी धीरे धीरे टूटती चली जाएंगी। मतलब कि बहुत आज अनुष्ठान देखे जाते हैं कि इसको, मतलब कि इस 45वें काव्य को तो ऐसा समझा जाता है कि आपका कोई भी रोग हो आप इस 45 काव्य का जाप कर लीजिए वो आपका रोग मिट जाएगा। आज ऐसी इतनी मिथ्या भ्रांति चलती है कि महामारी चल रही है तो महामारी भगाने को क्या किया जाए, क्योंकि महामारी ऐसे तो भग नहीं रही है, जा नहीं रही है, क्या किया जाए। आइए चलिए एक बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, और कितनी बार करते हैं, करोड़ों बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, जिससे क्या भग जाए, करोना नाम की महामारी भग जाए। अब आप बताइए, आप अभावों को जानते हैं, मैं कोई बात ये अपने घर की नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों की बात चल रही है, कभी आप समझे कि हम अपने हिसाब से कुछ भी बोले जा रहे हैं, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप निमित्त नैमित्तिक संबंध को पढ़िए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है और उपादान उपादेय संबंध क्या है। वो नमोकार मंत्र और वो करोना नाम का जीव दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। ना नमोकार मंत्र इसका कुछ करता है, ना ये इसका कुछ करता है। अब आप बताइए, इसका पाठ करने से क्या ये भग जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नमोकार मंत्र का पाठ नहीं करें, नमोकार मंत्र का पाठ करें, लेकिन इस दृष्टि से पाठ ना करें कि मैं नमोकार मंत्र का पाठ करूंगा तो ये भग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भागना होगा तो भाग जाएगा। ये लोगों का श्रद्धान अंधश्रद्धान है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये हमारी मिथ्या भ्रांति जब तक नहीं टूटेंगी तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। शब्दों का तो प्रयोग किया जा रहा है कि रजोमृत, कि रज अपने जो रज रूपी अमृत है वो भी स्पर्श कर ले तो हम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसी बात है भी और नहीं भी है। क्योंकि यहाँ पे रजोमृत कह के अतिशयोक्ति की जा रही है, लेकिन ऐसा मत करना कि भगवान के मंदिर में जाना, प्रक्षाल से पहले जो जितनी भी साइड में धूल पड़ी हो उसको उठा के अपने घर में लेके जो भी बीमारी हो वहां पे लगाना चालू कर दिया। कोई पागल ही कहेगा वास्तव में, क्योंकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया अर्थ है। लिखा है कि उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से टेढ़ी हुई है कमर जिसकी, तथा शोचनीय दयनीय दशा को प्राप्त हो गया है जो, एवं छोड़ दी है जीवन की आशा जिसने, ऐसा मनुष्य भी जब आपके पाद पद्मों को रज रूपी अमृत से अपने शरीर को लिप्त कर लेता है तो वह मनुष्य कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो जाता है। अर्थात अर्थात सुनने वाला है, अर्थात हे भगवान, जिसको भयंकर जलोदर जैसा भयंकर रोग भी हो गया हो, जिसके पेट में पानी भर जाता है, उस पेट के भार से कमर टेढ़ी पड़ गई हो, नितांत शोचनीय दशा हो गई हो, जीवन की आशा छूट गई हो, तथापि यदि वह आपके चरण कमलों की रज को अपने शरीर पर लगाता है तो वह सचमुच ही कामदेव के समान रूपवान हो जाता है। आप भी थोड़ी कल्पना करके देखिए, खुद ट्राई करके देखिए, एक बार रज रज ला के देखिए, और आप अपने बाद में अपने को आईने में देखिए, क्या आप अब कामदेव के समान हो चुके हैं? हाँ जी, आपका एक प्रश्न है, बोलिए।
भैया आपने यहाँ पे जो रज बताया उसका मतलब क्या है? रज रज अर्थात धूल, धूल धूल रज अर्थात धूल, रज कण मिट्टी जो होती है उसको रज कहा जाता है, धूल को धूली जिसको कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा बताना चाह रहे हैं, आप ट्राई करके देखिए, मिट्टी लाइए उसको अपने शरीर पे लगाइए और आप क्या कामदेव बन जाएंगे, कामदेव के समान सुंदर बन जाएंगे। बातें तो यहाँ पे बात की जा रही है, हम तो बात करते हैं, हम ये तो थोड़ी सस्ती मिट्टी है, हम यहाँ पे महंगी से महंगी मिट्टी लाके देंगे आपको, आपको मुल्तानी मिट्टी लाके देंगे आपको, जो आजकल मार्केट में जितनी भी महंगी से महंगी क्रीम वो भी तो मिट्टी ही है, उनको आप अपने शरीर पे लगाइए। और क्या उसको लगाने से आपका शरीर का रूप बदल जाता है? नहीं बदलता, वैसे का वैसा ही रहता है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हाँ हम बहुत सुंदर लगने लग गए, वास्तव में एक साइकोलॉजी काम करती है हमारे पीछे कि अगर हमने 1000 रुपए की क्रीम खरीदी है और 1000 रुपए की क्रीम हमने अपने चेहरे पे लगाई और सामने वाला कोई कह दे भैया आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, तो हमें लगने लग जाता है हाँ हमारा चेहरा बहुत चमकने लग गया है, और सामने वाला कह के चला जाए अरे कितनी गंदा तुम्हारा चेहरा लग रहा है, तो एकदम गुस्सा आने लग जाता है भैया 1000 रुपए की क्रीम खरीदी है, कुछ काम करती है, कितना सुंदर लग रहा हूं मैं। साइकोलॉजी काम करती है। जैसे बहुत बार कहा जाता है कि अगर हमारे सिर दर्द ना हो तो 100 बार सिर पकड़ ले तो सिर दर्द चालू हो जाता है, 100 बार अगर कोई झूठ बोल रहे हो या 100 बार झूठ बोला हो और उस एक बार सच बोल दे तो वो भी झूठ लगने लग जाता है, ऐसी स्थिति यहाँ पे भी है। मतलब कि वास्तव में भेद विज्ञान करने की बात है, बात क्या है और बात क्या समझनी है, यही अनेकांत और स्वादवाद है जो हम शाम की कक्षा में समझते हैं। चारों अनियोगों की शैली बिल्कुल अलग अलग है, प्रथमानियोग की शैली अलग है, चरणानियोग की शैली अलग है, द्रव्यानियोग की शैली अलग है, कर्णानियोग की शैली अलग है। अगर आपको चारों अनियोगों की शैली समझनी है तो पंडित टोडरमल जी के 8वें अधिकार को जरूर पढ़िए, जहां पे उन्होंने 4 अनियोगों को पढ़ने की पद्धति बताई है, शास्त्रों को समझने की पद्धति, कि शास्त्रों को क्या कैसे समझें। थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, एक बात करके अपनी बात को पूरी करता हूं। हमने जैन रामायण पढ़ी होगी, जैन रामायण में एक बात हमने सुन रखी है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो जो अपने हनुमान है, हनुमान दूर पर्वत तक गए थे और पूरा पर्वत उठा के अपने साथ लेकर आ गए थे, क्योंकि उनको औषधियां नहीं पहचान में आ रही थी कि कौन सी औषधि किसमें काम करती है। आप सब लोगों ने घटना सुन रखी है कि वो उठा के लेकर आए थे। अब वास्तव में थोड़ी गहराइयों में जाइए, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि वो पाड़ उठा के लेकर आए थे, लेकिन जितने भी कहानियां होती हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार के बिना नहीं होती हैं। वास्तव में वो बहुत सारी औषधियों को उठा के लेकर आए थे, तो जैसे ही अनेक औषधियों को उठा के लेकर आए तो सामने वालों ने कहा भैया तुम तो पूरा पहाड़ी उठा लेकर आ गए। क्या कहा? तुम तो पहाड़ी उठा के लेकर आ गए, क्योंकि बहुत सारी थी। हमारे साथ भी होता है, हमें कोई मम्मी कहे कि जरा एक सब्जी लिया ना, और हम एक सब्जी लेने गए थे और 10 सब्जी लिया है, तो मम्मी कहती है बेटा तुम तो पूरा बाजार उठा लाए, लेकिन वास्तव में हम बाजार उठा के नहीं लाए हैं, हम कितनी सब्जियां लाए हैं, 10 सब्जियां लाए हैं। ऐसे ही पहाड़ एक उपमा है ये बताने के लिए कि बहुत सारी सब्जियां लाए हैं या बहुत सारी औषधियां लाए, लाए तो कुछ ही थे, लेकिन शास्त्रों में शैली क्या है बताने की, उसको शैली ऐसी है कि पहाड़ उठा लाए आप तो, लेकिन वास्तव में पहाड़ उठा के लेकर नहीं आए थे, ये अलंकार है। ऐसे ही जैसे इन अलंकारों के माध्यम से ही हमें प्रथमानियोग के शास्त्रों को पढ़ने में रुचि लगती है, हमें मजा आता है पढ़ने में। अगर इन अलंकारों को शास्त्रों से हटा दिया जाए, प्रथमानियोग के शास्त्रों से, तो वो अरुचिकर बन जाए, हमें समझ में नहीं आएंगे, हमारे पढ़ने की रुचि नहीं लगेगी। ये हमें शैली समझने की बात है कि आचार्य क्या कह वास्तव में कहने का उनका अभिप्राय क्या है, ऐसे ही बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और मान दूंगा आचार्य के इसके पीछे का अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय तक पहुंचने की बात है। शब्दों से अर्थ निकालेंगे तो अनेक बार धोखा खा जाएंगे, जैसे पहाड़ वाले में धोखा खा जाते हैं, ऐसे ही भावों में जाने का प्रयास करें। अगर हम जैन फंडामेंटल्स को समझते हैं, जैन सिद्धांतों को समझते हैं, तो स्तुति साहित्य को समझना बहुत सरल हो जाता है हमारे लिए। स्तुति साहित्य में बहुत अलंकारों का प्रयोग, क्योंकि स्तुति में क्या किया जाता है, स्तुति में भगवान का गुणानुवाद किया जाता है अतिशयोक्ति रूप में, कि भगवान आप ही सब कुछ हैं, आप ही हैं जो कुछ करते हैं और कोई कुछ करता नहीं है, ऐसी बात भी की जाती है, लेकिन उसकी गहराई पहचाननी पड़ेगी। ऐसी बात कोई आचार्य क्यों कर रहे हैं, क्या अपेक्षा है उसके पीछे, सब समझने लायक है,
तो हमने अभी 44वें और 45वें छंद का अर्थ देखा। आपको भी इसका वास्तविक अर्थ भाषित हुआ होगा। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस छंद, इन छंदों के माध्यम से। हाँ जी, पहले मेरे घर पे प्रश्न है, बोलिए बोलिए, म्यूट खोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन आपने उदाहरण दिया था कि प्लेन में जा रहे हैं और क्रैश होने को है, उस टाइम पे अगर हम भक्तांबर का पाठ करें, उस टाइम पर अगर हम भक्तांबर जी का पाठ करें और ये श्लोक पढ़ें, तो उस टाइम हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने म्यूट कर लीजिए, मैंने 1 घंटा इस बारे में बताया। अब आप स्वयं इतने विवेकी हैं, खुद इतना समझ सकते हैं क्या भक्तांबर के पाठ करने से, अगर ये समझ में नहीं आया तो 1 घंटा बताना व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बता के आए कि पुण्य का उदय भी काम करना चाहिए। पुण्य का उदय नहीं होगा तो कितना ही भक्तांबर का पाठ कर लें सही होने वाले नहीं है। पुण्य का उदय नहीं है, पाप अपनी झोली में है इतना सारा, उसका उदय चल रहा है और हम भक्तांबर का पाठ करें और कहें कि हम बच जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ पुण्य का उदय भी होना चाहिए, और पुण्य का उदय होगा तो वो काम करेगा। काम क्या करेगा? वास्तव में उस भक्तांबर के काव्य पे आरोप आएगा कि इस भक्तांबर के काव्य के पाठ करने से हम बच गए। पुण्य का उदय काम करना चाहिए, पुण्य का उदय नहीं होगा तो हम नहीं बच पाएंगे। उन 98 लोगों में से उन 2 लोगों का पुण्य का उदय था कि वे बच गए, नहीं तो वे भी नहीं बचते। उनके साथ भी परिस्थितियां घटी, वे भी प्लेन में बैठे हुए थे, उनको भी वैसे परिणाम उठते, लेकिन उनका पूर्व का पुण्य का उदय था जिसका उदय आया और ऐसी परिस्थिति बनी कि वे बच गए। वो भी बेहोश हुए, उनकी भी हड्डियां टूटी, उसके बावजूद भी उनका आयु कर्म शेष था तो वो बचे रहे। अन्य लोगों का आयु कर्म शेष नहीं था तो वो मर गए। ऐसी बात यहाँ पे भी समझनी चाहिए। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न हो? भैया मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ कि अपन लोग जैसे आत्महत्या वगैरह या कुछ करते हैं और अपना आयु कर्म शेष होता है, तो अपन लोग ये बोलते हैं ना कि मतलब बहुत तड़प तड़प के मरा, मतलब आयु कर्म उसका 2 साल पहले का था लेकिन उसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो वो बहुत तड़पा और फिर उसका आयु कर्म 2 साल का वो पूरा पूर्ण हो गया, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये सब भी ऐसी परिस्थितियां घटती है कि आयु कर्म में भी उत्कर्षण हो जाता है या आयु कर्म कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु। क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु के नाम से जिसको जाना जाता है, लेकिन वास्तव में अकाल मृत्यु भी काल मृत्यु ही है, क्योंकि उसका भी काल निश्चित ही है कि वो मृत्यु कब होनी है। हमने कई बार, बहुत लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं होती, वे फांसी पे लटक जाते हैं लेकिन उसके बाद भी मृत्यु नहीं होती। अब आप बताइए क्यों नहीं हुई? क्योंकि आयु कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, आयु कर्म जब तक पूरा नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। और मैं बात करूं कि किसी का 80 वर्ष का आयु कर्म था, उसने 60 वर्ष में कोशिश की कि मैं मर जाऊं लेकिन नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उसका आयु कर्म 80 साल का था तो उसका मरण 80 साल की उम्र में ही होगा। अब आप देखिए, कोई 60 वर्ष की उम्र का है और उसका 60 वर्ष में मरण होने वाला है, और 60 वर्ष में मरण होने वाला है, सर्वज्ञ भगवान से पूछा कि उसका मरण कैसे होगा, और उत्तर आया कि वो फांसी पे लटकेगा और उसका आयु कर्म पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ही नक्की था कि वो फांसी पे उसका लटकना था और उस समय उसका आयु कर्म पूरा होना था, तो आरोप आ गया कि फांसी की वजह से वो मर गया। लेकिन वास्तव में मरा कैसे है? मरा अपने आयु कर्म के क्षय के कारण है, फांसी की वजह से नहीं मरा। अगर फांसी के कारण मरता होता तो जितने लोग फांसी पे लटकते हैं सबको मरना चाहिए था, लेकिन सब मरते नहीं है। वास्तविक कारण क्या है? आयु कर्म जब पूरा होता है तभी मरण होता है। और थोड़ी आगे बात चल के बात करूं, आयु कर्म भी एक सहायक है क्योंकि कर्म है। यहाँ पे तो हम अपनी बात तक आए, जब अब हमारे चैतन्य प्राण हमसे अलग हो जाते हैं तब हमारा मरण होता है, आयु कर्म भी उसमें कुछ करने लायक नहीं है। ये बात, एक बात और आगे, एक स्टेप और आगे, मतलब पहले हमने आपको फांसी से अलग कर दिया कि फांसी से मरण नहीं होता, फिर हमने आरोप दिया कि आयु से मरण होता है जब आयु पूर्ण हो जाती, अब हम कह रहे हैं वास्तव में आयु पूरी, आयु के पूरे होने से भी मरण नहीं होता, मरण तो आपके चैतन्य प्राणों के वियोग होने से होता है, जब चैतन्य प्राण चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में आयु कर्म भी एक सेकंड पर्सन है, क्योंकि वो कर्म है और कर्म और आत्मा में कोई संबंध नहीं है, दोनों बिल्कुल जुदा जुदा है, दोनों में अभाव है,
दोनों में अत्यंत भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत आगे की बात है, समझ में आए तो समझ में आना चाहिए। और अभी किसी को कोई और प्रश्न हो तो वे पूछ सकते हैं, क्योंकि विषय बहुत बढ़िया है, प्रश्न आने चाहिए इसके संबंध में, हमारी अनादिकाल की भ्रांति टूटनी चाहिए इन काव्यों को पढ़ के। चलिए, अभी जो इसमें विषय आए हैं निमित्त नैमित्तिक, ये अगर आपको सुनने हैं तो हमारी शाम की कक्षा में ये विषय आगे आने ही वाले हैं कि निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, उपादान उपादेय संबंध क्या होता है, वास्तविक कारण क्या है और वास्तविक कारण क्या नहीं है। तो इन कक्षाओं के माध्यम से भी हमें ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी आप इन सब काव्यों को याद कीजिए, इनका मर्म समझिए, वास्तव में मानतुंग आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। तीन छंद बचे हैं, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति आपको इसके बाद हो जाएगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो तीन छंद हमारे शेष हैं रत्नत्रय प्रकट करने के लिए। आप सब लोग तैयार हो जाइए, कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें रत्नत्रय प्रकट होने वाला है। चलिए, मिथ्यात की बेड़ियां भी ढीली होंगी इससे, मिथ्यात की बेड़ियां भी इससे टूटेंगी, तो हम जल्दी से जल्दी मिथ्यात की बेड़ियां तोड़ें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूरी करता हूँ। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी, सभी अपने स्थान से प्रणव बाण नमोकार मंत्र का ध्यान पढ़ें।